हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट फाइव वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट फाइव वीडियो में एक्सरसाइज 29.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 20। कह रहा है मूल बिंदु और दूसरा एक बिंदु दिया है 5-2, 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सदिश तथा कार्तीय रूप में ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले उन दोनों के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं कि दो बिंदु से जब कोई रेखा जाती है तो उसका समीकरण के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे दो बिंदु जिसके स्थिति सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पहले वेक्टर रूप में देख लेते हैं क्या होता है। तो होता है वेक्टर आर बराबर में क्या हो जाएगा, यहां पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये फॉर्मूला मैंने बताया है ना जी। चलिए तो अब इसी का इस्तेमाल यहां पर करते हैं, ठीक है। तो स्थिति सदिश पहले लिख लेंगे जो बिंदु दिए गए उनके। चलिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, तो पहले के लिए पोजिशन वेक्टर वेक्टर ए बराबर में लिख देता हूं 0, मूल बिंदु 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस में 0 के कैप, यानी कि 0 वेक्टर के बराबर, ठीक है, 0 वेक्टर के बराबर। और दूसरा बिंदु दिया हुआ है, इसका स्थिति सदिश क्या होगा, 5 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। तो यहां से वेक्टर आर बराबर में लिख देंगे, क्या लिखेंगे जी, तो हो जाएगा वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मान फॉर्मूला तो ऊपर मैंने लिख ही दिया ना, यानी कि 0 वेक्टर प्लस में लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यानी कि 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और माइनस का 0 वेक्टर। तो ये तो सॉल्व होगा, तो वेक्टर आर बराबर में आ जाएगा, 0 वेक्टर हटाओ ना, बच जाएगा लैम्डा 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। 0 वेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका मान हो गया सदिश रूप में। अच्छा, वेक्टर रूप में अगर हम लोग बात करें वेक्टर रूप के अलावा कार्तीय रूप की, तो हम लोग जानते हैं कि दो बिंदु x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, देखो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग ये जो ऊपर आया ना ये वेक्टर रूप में, इससे भी ला सकते हैं, इसको भी सॉल्व करके हम लोग कार्तीय रूप में ला सकते हैं। फॉर्मूला सिद्ध कराने के समय मैंने बताया होगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं तो उसी से बना देते हैं, x-x1 / x2-x1 y-y1 / y2-y1 और z-z1 / z2-z1, ये फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे बिंदु 0 0 0 तथा दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु है 5-2 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना जी। तो चलिए इस फॉर्मूले पर रखते थे कार्तीय रूप वाला जो फॉर्मूला है, x-0 / 5-0, y-0 / -2-0, z-0 / 3-0, यानी कि यहां से x/5 / y-2 और यहाँ पे z/3, ये आपका कार्तीय रूप में समीकरण आ गया, समझ गए। चलिए अगला